हम है रेड नेटवर्क, हम करते हैं जन की बात। पूरा देश आज 74वें स्वतंत्रता दिवस के जश्न में सरोवर है। इस खास मौके पर पटना के दिघा विधानसभा क्षेत्र के कुर्जी की वार्ड पार्षद रजनी देवी ने दिघा स्थित अपने दफ्तर पर झंडा उत्तोलन किया। 74वें स्वतंत्रता दिवस के इस खास मौके पर रजनी देवी ने लोगों को देश प्रेम और भाईचारे का संदेश दिया और कहा कि आज का दिन हमें उन महान सपूतों की याद दिलाता है जिन्होंने हंसते हंसते अपने प्राणों का बलिदान देकर हमें आजादी दिलाई। हम उन महान देश भक्तों को नमन करते हैं। 74वें स्वतंत्रता दिवस के इस खास मौके पर बड़ी संख्या में दिघा विधानसभा क्षेत्र के स्थानीय और गणमान्य लोगों ने हिस्सा लिया। वहीं पूरे दिघा विधानसभा क्षेत्र के शारीरिक रूप से अक्षम लोगों को पार्षद रजनी देवी और उनके प्रतिनिधि पप्पू राय ने उनकी जरूरत की चीजें मुहैया करा, उन्हें स्वतंत्रता का एहसास करवाया। इस मौके पर मीडिया से बातचीत में पार्षद रजनी देवी के प्रतिनिधि पप्पू राय ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। आज 15 अगस्त के दिन पूरे अपने दिघा विधानसभा में जो व्यक्ति शारीरिक रूप से अक्षम हो, जो चलने में असमर्थ हो, विकलांग हो, जो जिनको देखने में असमर्थ हो, उन सभी को हमने आज विकलांग बंधुओं के लिए बैसाखी वितरण किया। उनके लिए जो आँख से देखने में असमर्थ हैं उनके लिए छड़ी वितरण किया। जो बुजुर्ग अधिक उम्र के हो गए, जो चलने में असमर्थ उनके लिए लाठी का वितरण किए। पूरे दीघा विधानसभा में सर्वे कराकर जिनका कोई देखने वाला नहीं हो उनके हमेशा हम साथ रहते हैं और आगे भी रहेंगे। तो सुना है आपने पप्पू राय को, जिन्होंने 15 अगस्त के इस खास मौके पर उन लोगों को आजादी महसूस कराने की कोशिश की जो शारीरिक रूप से अक्षम है। इसी तरह पूरे लॉकडाउन के दौरान भी उन्होंने दिघा की गरीब गुरबा जनता को दिल खोल कर मदद की। लोगों को राशन के साथ साथ घर चलाने के लिए पैसे भी मुहैया कराए। आइए अब सुनते हैं उन लोगों को जिन्हें पप्पू राय ने 74वें स्वतंत्रता दिवस के इस खास मौके पर आजादी का एहसास कराया। पूरा देश आजादी का जश्न मना रहा है। पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है और जगह जगह लोग झंडे उत्तोलन कर रहे हैं। और जिस जगह पे हम खड़े हैं वो जगह है पटना का दिघा, और यहाँ की पार्षद ने अभी झंडा उत्तोलन किया है। और इस खास मौके पर शारीरिक रूप से अक्षम लोगों को बैसाखी और ट्राईसाइकिल दे करके इनकी मदद की गई है, इन्हें सहायता दी गई है। तो ये भी स्वतंत्रता का एक रूप है, आजादी करने का एक तरीका है, लोगों को स्वतंत्रता का एहसास करवाने का एक तरीका है। आइए हम बात करते हैं कुछ ऐसे लोगों से। क्या कुछ मिला है? बैसाखी मिला। तो आपको बैसाखी मिला आज के दिन, 15 अगस्त है आज, तो कैसा फील कर रहे हैं आप? बैसाखी मिला है, ठीक है। तो इस तरह लोग आजादी का जश्न मना रहे हैं। लोगों को जो सक्षम लोग हैं वो अक्षम लोगों की मदद कर उन्हें आजादी का स्वतंत्रता का एहसास करवा रहे हैं। हम है रेड नेटवर्क, हम करते हैं जन की बात।